हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फूली फूली कचौरी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाने वाले हैं और बहुत ही टेस्टी और फटाफट से बनेगी और सारी बनेगी फूल फूली फूली। तो वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक ज़रूर देखें। अभी आप देख सकते हो कितनी कमाल की बनी है और सॉफ्ट सॉफ्ट। यहाँ पर हमने गेहूँ का आटा लिया है, इसमें हमने 2 चम्मच के करीब ऑयल लिया है और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने और यहाँ पर पानी लेंगे नॉर्मल टेम्परेचर वाला, क्योंकि गर्मियाँ हैं। अब अगर सर्दियाँ हो तो आप गुनगुना पानी ले, और गर्मी है तो सादा ही पानी से आटा गूंथ ले। इसका हम जो डो बनाने वाले हैं वो हम सॉफ्ट डो बनाएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं रखने वाले। नॉर्मली कचौरियों का जो डो होता है नॉर्मल डो बनता है। और अभी इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। तब तक हम कर लेंगे अपनी स्टफिंग तैयार। यहाँ पर 1 चम्मच हमने ऑयल लिया है, 1 चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे से तिड़कने देंगे। जीरा जब अच्छे से हमारा चटक जाएगा, गैस को रखेंगे यहाँ पर मीडियम। और यहाँ पे हमने एक प्याज को बारीक चॉप कर लिया था, उसको डाल लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से जब हम स्टफिंग तैयार करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है दोस्तों। प्याज हल्की सी हमारी भुन चुकी है, अभी इसमें हम डाल देंगे मसाले। यहाँ पर हमने 1 स्पून हल्दी पाउडर डाला, 1 स्पून धनिया पाउडर और 1 स्पून डालेंगे इसमें अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर हमारी खीर बन रही है। खीर की वीडियो मैंने नहीं बनाई दोस्तों, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप जैसे भी डालते हैं खाते हो। यहाँ पर मैंने लाल मिर्च का प्रयोग किया है, आप अगर हरी मिर्च पसंद करते हो तो हरी मिर्च डालें। बच्चे मेरे हरी मिर्च कम खाते हैं तो मैंने लाल मिर्च डाली है। और धनिया पत्ता और 1/2 स्पून के करीब डालेंगे इसमें गरम मसाला, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा उभर कर आता है। आलू को हमने कस लिया था। कचौरी में कभी भी आप हाथ आलू को हाथों से मैश ना करें, इसको हमेशा आप ग्रेट करके ही ले, तभी हमारी कचौरी सारी फूली फूली बनेगी। नहीं तो अगर आलुओं में गांठें रह जाएगी तो कचौरियाँ फूली फूली नहीं बनेगी और उसमें वो टेस्ट नहीं आने वाला है। अभी हमारी स्टफिंग बनकर हो गई है रेडी। इस तरह की हमें स्टफिंग चाहिए, बहुत ही बेहतरीन बनी है। अब इसको उतार कर हम एक कट प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पर हमारा आटा भी तैयार हो चुका है और ये खीर तैयार हो चुकी है। इसमें हम थोड़ा सा 1/2 कप के करीब चीनी मिलाएंगे। आप देख सकते हो कितनी क्रीमी बनी है। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं ज़रूर इसको शेयर करूँगी। और इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे हम, किशमिश डाली है और थोड़े से ही हम डालेंगे इसमें काजू। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो कितनी बेहतरीन बनकर तैयार हुई है। आज संडे का दिन है तो बच्चों ने डिमांड की थी हमें खीर और कचौरी चाहिए। यहाँ पर हमारा आटा सेट हो चुका है। हल्का सा ऑयल लगाएंगे और एक बॉल्स इस तरह से निकाल लेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ बनाकर। इसको साइड से हल्का सा प्रेस करेंगे और भर के हम स्टफिंग इसमें डालने वाले हैं, तभी भी हमारी सारी कचौरी बहुत ही बेहतरीन तरीके से फूलने वाली है। साइड से हम इसको दबाते चले जाएंगे और स्टफिंग को रखना है हमें अंदर की तरफ, स्टफिंग बाहर नहीं आनी चाहिए। और इसको ऐसे टक से बंद चिपका देंगे अच्छे से और इस तरह से हाथों से प्रेस करते जाएंगे, गोल गोल घुमाते जाएंगे पहले, और हल्का सा आगे से आगे की उंगलियों से इस तरह से जैसे रोटी बनाते हैं ऐसे बना लेंगे। ये हमारी कचौरी तैयार हो गई है। अभी मैं आपको इसे फ्राई करके दिखाती हूँ कितने बेहतरीन तरीके से फूल कर तैयार होएगी। बहुत ही कमाल की कचौरी बनती है दोस्तों इस तरह से, और सॉफ्ट भी रहती है, कुरकुरी भी, और सारी ही कचौरियाँ फूल कर तैयार होएगी।
डालते ही आपको इसे छेड़ना नहीं है, पलटना है थोड़ी देर बाद। और ऐसे हल्के से हम जब इसे प्रेस करते रहेंगे तो हमारी कचौरी अच्छे से फूल कर तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हो कितनी कमाल की फूली है। ऐसे ही सारी कचौरियाँ फूली फूली बनेंगी, बहुत ही बेहतरीन बनी है। खाने में इस तरह की कचौरी बहुत अच्छी लगती है। अभी मैं एक और आपको भर कर दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो स्टफिंग मैंने काफ़ी भरी है। और इस तरह से चारों तरफ से प्रेस करते जाएंगे आटे को, और इसको टक से अच्छे से दबा के बीच में इस तरह से उंगलियों से ही हम इसको ज़्यादा बनाते हैं। अगर हथेली का प्रयोग नहीं करना है इसमें, आगे से ही आप धीरे धीरे से बनाएंगे तो चारों तरफ अच्छे से फैलेगी। अभी दूसरी को हमने डाल दिया है और हल्का सा पोनी से हम इसको पलटेंगे। आप देख सकते हो कितनी कमाल की फूली है। हर एक कचौरी इसी तरह से दोस्तों फूल कर तैयार होएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी यहाँ हम सर्व कर लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन बनी है। आप देख सकते हो देखने में कितनी टेस्टी लग रही है। खाने में बहुत ही बेहतरीन बनती है इस तरह से कचौरियाँ। और आप फटाफट से इस तरह से बनाकर तैयार करें। काफ़ी गर्म है ये, वाह, मैंने हाथों में उठा तो ली है लेकिन तोड़ने में नहीं बन रही है। अभी 2 मिनट मैं इसको रख देती हूँ जिससे कि ये थोड़ी ठंडी हो जाए। अभी मैं आपको हाथों से प्रेस करके दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट है, वाह, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। कमाल का टेस्ट आया है, वाह। अभी मैं आपको एक और दिखा देती हूँ। हल्के से इस तरह से हम इसे प्रेस करेंगे डालने के बाद, और इधर से पलटेंगे। सभी कचौरियों को इसी तरह से हमें अलटते पलटते हुए सेक लेना है। सभी फूली फूली और बेहतरीन बनकर तैयार होएगी दोस्तों। आप देख सकते हो कितनी कमाल की फूली है, बहुत ही बेहतरीन। और हमने स्टफिंग भी इसमें कम नहीं डाली है, फुल भर भर के हम स्टफिंग लगा रहे हैं। वाओ, आप देख सकते हो कितनी कमाल की फूली फूली कचौरी बनकर तैयार हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।